चल शैतान, इसके जीवन से मैं तुझे पार करता हूं। चल अंधकार की गंदी आत्मा, निकल 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 इसके शरीर से पूरी तरह से, जो तूने इसके जीवन पर जो प्रभाव डाला, गंदी आत्मा जो तू इसने इसकी बॉडी पर जो तूने पूरी ये बीमारी दी है लूटों की, चल निकल 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 पूरी तरह से इसके शरीर से निकल। जो इसके सपने में तू गंदे गंदी चीजें दिखाता है, चल आउट आउट, निकल आज पूरी तरह से। तेरा लास्ट दिन है आज शैतान, तेरा लास्ट दिन है आज, तेरा लास्ट दिन है आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सबके बड़ा अपनी बाजू और अपने दिखाऊं, हाँ जिस टांग पर भी थी आप निशान देख सकते हो। हाँ ये बाजू आपने अभी देखा ना, इनकी पहली पिक, जिस टांग पर भी वो थी वो भी दिखाओ, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना। कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं। हाँ देखो, अपने पहली पिक में देखा कि ये पूरी, अब देखो हल्के से, बिल्कुल हल्के से निशान है, पर अभी हमने पहले इनकी पिक देखी कि कितने बड़े बड़े निशान थे, वो गली हुई स्किन थी। और परमेश्वर ने पूरी तरह क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, पूरी तरह से चंगा कर दिया है। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सविता है और जे मोहकमपुरा के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 5 साल हो गए थे इनकी पूरी बॉडी पर लूतों की प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा लूते थी, नॉर्मल नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण जे बहन बहुत परेशान थी। ऐसे बता रहे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई, देसी अंग्रेजी मेडिसिन खाई, फिर भी जे बता रहे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, प्लस उसके कारण मेडिसिन खाने के बाद जो और भी प्रॉब्लम में आ गए। जे बता रहे कि मेडिसिन खाने के कारण इनके पेट में दर्द शुरू हो गया, पेट का फूल जाना, पेट में इन्फेक्शन दर्द, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। और जे सिस्टर से चल फिर भी नहीं सकते थे, और जे बेड पर आ गए, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। जे बता रहे कि लूतों की प्रॉब्लम के कारण इनको बहुत ही ज़्यादा खारिश होती थी, और जे रात के टाइम भी सोते नहीं थे। जे बता रहे कि जे कोई भी छुरी चाकू कुछ भी नुकीली चीज़ लेकर अपनी पूरी बॉडी पर खारिश करते थे, जिसके कारण जे बता रहे कि जे बहुत परेशान हो चुके थे। मेडिसिन भी जे बता रहे कि असर नहीं कर रही थी, और जैसे जे बता रहे कि जे बता रहे कि 5 साल हो गए थे कि जे इस प्रॉब्लम से परेशान थे, और जे बता रहे कि इनके ब्रदर ठीक नहीं रहते थे, जिसके कारण वो इनको चर्च लेकर गए, जो विश्वास नहीं करते थे उनके साथ चर्च गए थे। और जो बता रहे कि जब जो बता रहे कि इनके हस्बैंड कौन ठीक नहीं, ये इनके, के इनके ब्रदर ठीक नहीं थे, उनके साथ ये गए जी, उनके साथ जी चर्च गए थे। और जो बता रहे कि जैसे ही जो उनके साथ चर्च गए, और जो बता रहे कि जब जे बहुत परेशान थे, तो उस समय इनको याद आया कि अगर मेरे ब्रदर अच्छे हो सकते हैं तो परमेश्वर मेरे भी जीवन में काम कर सकते हैं। तो इनको इनके जो बता रहे कि इनके सिस्टर हैं जो इनके गांव से हमारी चर्च में आते हैं, और जैसे उन्होंने इनको गुड न्यूज़ दी प्रभु की कि आप हमारे साथ आएँ, और जैसे जे बहन फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में 10 जुलाई की मीटिंग में आए, और जो बता रहे कि जिसके कारण जे लूतों की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। और सबसे पहले हम इनकी पिक को देखते हैं जब इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हम देख सकते हैं कि इनके फेस, इनके बाजू और इनकी लेग, इनके टांगों पर बहुत ही लूतों की प्रॉब्लम थी, बहुत ही जख्म हो गए थे, जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। और जब जी फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए 10 जुलाई को, इन्होंने फॉर्म फिल कराया, और जब इनके लिए प्रभु के दास के द्वारा ले एंड प्रार्थना हुई, अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जो गंदी आदत है, जो इसकी बॉडी में जो लूते हैं, दिखाओ इसे, ये पूरी बॉडी पे
उनके पेट पर भी है सारे शरीर पैर पे भी पीठ पे भी टांगों पूरी फोटो खींचो श्वास करते हो करते हो श्वास आज पहली बार आए हो पहली बार आए हो आप कहां से आए हो मोकमपुरे से नहीं पहले भी किसी चर्च में जाते थे भाई बीमार था इसलिए गई थी नहीं चर्च हम इसलिए जाते हैं कि वो सच्चा खुदा है जो किसी का धर्म नहीं वो जीवन बदने के लिए आया ये जो बीमारी है ये पाप के कारण है बोलो क्या मेडिसिन से अच्छी नहीं ना हो रही बहुत खाई बहुत सी ट्यूब जूस की इस्तेमाल की अच्छी नहीं ना हुई क्योंकि यीशु का लहू अच्छा करता है ये पाप की है और पाप हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें इसकी मेडिसिन कोई नहीं इसलिए सुन सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी पर यीशु मसीह सच्चा खुदा है उसका विश्वास करना है क्या नाम क्या तेरा सविता वो धर्म नहीं वो जीवन बदलने के लिए है करती है विश्वास मन से विश्वास करना चल शैतान इसके जीवन से मैं तुझे पार करता चल अंधकार की गंदी आत्मा निकल 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 इसके शरीर से पूरी तरह से जो तूने इसके जीवन पर जो प्रभाव डाला गंदी आत्मा जो तू इसने इसकी बॉडी पर जो तूने पूरी ये बीमारी दी है लूटों की चल निकल 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 पूरी तरह से इसके शरीर से निकल जो इसके सपने में तू गंदे गंदी चीजें दिखाता है चल आउट आउट निकल आज पूरी तरह से तेरा लास्ट दिन है आज शैतान तेरा लास्ट दिन है आज तेरा लास्ट दिन है आउट इन द नेम ऑफ जीसस सबके दुख दर्द में और जैसे इनके लिए लेन प्रार्थना हुई और उसके बाद ये लगातार धन्यवाद जैसे इनको पॉजिटिव प्रेयर के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी सिखाया गया और जो विश्वास में बने रहे और प्लस इनको बहुत बुरे सपने आते थे जब तारीख रात को मरे हों के सपने आते थे और भी बहुत ही गलत सपने आते थे और जैसे जो विश्वास में बने रहे धन्यवाद करते रहे और आज बता रहे कि परमेश्वर ने 2 महीने हो गए इनको लूतों की प्रॉब्लम से प्लस सपनों से पूरी तरह से परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया है और जो बहन बता रही कि जो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई थी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे आज परमेश्वर ने इनके जीवन को अच्छा किया है और आज बहन बहुत खुश है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम सब के लिए से इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है इनको माइक दो थोड़ा आप बताओ ये बीमारी 5 साल तक 5 साल तक आपकी बॉडी पर रही ना जय मसीह की पापा जी जय मसीह की थोड़ा बताओ जय मसीह की पापा जी मेरे को ये बीमारी 5 साल से थी पर ठीक नहीं होती थी तो घर में भी ऐसे क्लेश होने लग जाना तो बड़ी परेशानी हो जाती थी कई वेले पैसे भी नहीं होते थे कि दवाई लेके आऊं फिर कहे वेले के मेरे भाई ने मंत कर देनी कभी किसी ने कभी नंद के लड़के ने ऐसे मत कर देनी पर बाद में ना फिर दवाई खा लेनी थोड़े के दिन सही रहना फिर ऐसे ही हो जाना जितना समय दवाई खानी तब तक सही रहना फिर वैसे ही हो जाना हाँ जी फिर ऐसे ही हो जाना 5 साल में अपने कितनी कोई आइडिया है कितनी कितने बहुत दवाइयाँ खाई अंदाजा नहीं गया कि पैसे बहुत ज्यादा पैसे मतलब खर्च कर लिए कभी किसी के पे चले जाना कभी एक किसी बाबे बुबे पे भी दिखाना भी न कभी 2000 दे के आ जाना मैं सारे पैसे मिट्टी ऐसे हो जाने बस अच्छा, पता डॉक्टरों के पास भी गए या बहुत सारे तांत्रिक बाबू जी के पास भी इस चीज के लिए गए कि शायद वो कुछ फांडा करें कुछ करें तो मेरी ये स्किन एलर्जी की जो बीमारी है वो सही हो जाए उनको भी पैसे दिए बहुत कुछ किया पर हल नहीं हुआ फिर आप यहाँ पे आए आपको किसी ने बताया सुमन दीदी ने बताया हाँ तो फिर आपने सत्य समझा कि यीशु मसीह कौन है हाँ जी और आपने उस पर विश्वास किया हाँ जी विश्वास किया और लगातार आपने फिर उस चीज के लिए प्रार्थना की हाँ जी
और जब ले हैंड हुई उसी दिन, पहले दिन ही ले हैंड हो गई था ना आपकी? हाँ जी, पहले दिन ही ले हैंड हो गई। और अब विश्वास में बने रहे। हाँ जी, विश्वास। और आज परमेश्वर ने पूरी तरह क्या कर दिया है? चंगा कर दिया। चंगा कर दिया। हाँ जी। अभी कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस अब पूरी तरह आपको, पूरी तरह अब फ्री हो? हाँ जी फ्री है। आपकी सारी जो गली हुई स्किन थी, जो हमने अभी इनकी पिक देखी ना, इनका क्या आला देखी ना अभी, उससे परमेश्वर ने पूरी तरह क्या कर दिया, अभी चंगा कर दिया है। थोड़ा अपने बाजू और अपने दिखाऊं, हाँ, जिस टांग पर भी थे आप निशान देख सकते हो। हाँ, ये बाजू आपने अभी देखा ना इनकी पहली पिक, जिस टांग पर भी वो थी वो भी दिखाओ, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना। कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं। हाँ देखो, अपने पहली पिक में देखा कि ये पूरी, अब देखो हल्के से, बिल्कुल हल्के से निशान है, पर अभी हमने पहले इनकी पिक देखी कि कितने बड़े बड़े निशान थे, वो गली हुई स्किन थी। और परमेश्वर ने पूरी तरह क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, पूरी तरह से चंगा कर दिया है। ये खुदावंद ने बड़ा काम किया है, इसलिए तारीफ भी उस परमेश्वर की हमें बड़ी करनी चाहिए। दिल से तारीफ करो, अपने हाथों को बड़े बड़े काम देखेगा।